महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे तय हो गए हैं। भाजपा के नेतृत्व में महायुति ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है। 288 सदस्यीय विधानसभा में उसे 228 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 6 माह पहले लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली महाविकास आघाड़ी बुरी तरह हार गई। वहीं राजनीति के चाणक्य यानी शरद पवार की दुर्गति हुई है। महाराष्ट्र सीएम पद के लिए संग्राम शुरू हो गया है। यहां एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जंग है। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। पिछले चुनाव में जहां उसने 105 सीटें जीती थी, इस बार वो 149 सीटों पर चुनाव लड़ी और 131 सीटों पर जीतती दिखाई दे रही है। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़कर 54 सीटों पर जीत दर्ज करती दिखाई दे रही है। महायुति की दोनों पार्टियां मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से किसी एक का नाम तय होना है, ये बड़ा सवाल है। महायुति की बंपर जीत में बीजेपी का हिस्सा अहम दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी महायुति को इस मुकाम तक पहुंचाने में एकनाथ शिंदे की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अपने सौम्य व्यवहार और बेजोड़ नीतिगत फैसलों की बदौलत शिंदे ने महाराष्ट्र के वोटरों में अच्छी खासी पैठ बनाई। वहीं डिप्टी सीएम रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में मजबूत पहचान बनाई। बता दें कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद ही महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनी। उस समय 105 सीटों वाली बीजेपी ने तय किया कि वो शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इस बार भाजपा की सीटों में इजाफा हुआ है, ये आंकड़ा बढ़कर 131 पहुंच चुका है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अब भाजपा को रिटर्न गिफ्ट में सीएम की कुर्सी सहजता के साथ सौंप देंगे। देवेंद्र फडणवीस पहले भी 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले 5 साल उन्होंने जैसा धैर्य रखा है, अब भाजपा नेतृत्व में उन्हें आज्ञाकारी नेता होने का पुरस्कार सीएम बना कर देगी। खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और शिवसेना दोनों ओर से सीएम पद को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। यहां भाषा का संतुलन कायम है। शिंदे गुट ने फिलहाल इतना ही कहा कि महायुति में ऐसा कोई फार्मूला नहीं था, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उस पार्टी का सीएम बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महायुति के नेता बैठेंगे और आपस में अगले सीएम का नाम तय करेंगे। वहीं एनसीपी नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा ने अपने पति को सीएम बनाए जाने की मांग रख दी है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की दुर्गति हुई है। बता दें कि शरद पवार की एनसीपी महाविकास आघाड़ी की हिस्सा है। उसने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा। उनके सहयोगी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने क्रमशः 102 और 92 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें सबसे बुरी हार एनसीपी शरद गुट की हुई है। ये वही एनसीपी शरद गुट है जिसने लोकसभा में 80 की स्ट्राइक रेट से 10 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार उसे केवल 12 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस को 14 और शिवसेना उद्धव गुट को 21 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।